नरकटियागंज के कृषि बाजार स्थित सड़क किनारे नाला निर्माण में गड़बड़ी को लेकर राजद नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजद जिला महासचिव रईस आलम ने बताया कि सड़क किनारे नाला निर्माण में गड़बड़ी की जा रही है। अभियंता की गैर मौजूदगी में नाले की ढलाई की जा रही है, जिसमें पुराने नाले की टूटी हुई ईंटों को लगाया जा रहा है। मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, संवेदक अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने नाला निर्माण की गुणवत्ता की जांच करने, संबंधित अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने, भुगतान पर रोक लगाने की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण दिनेश कुमार राय को आवेदन भी दिया है। कि नगर परिषद में सिटी मैनेजर और कार्यपालक द्वारा जो भी निर्माण किया जा रहा है उसमें 50% का हकदार है सिटी मैनेजर और कार्यपालक पदाधिकारी। ऑलरेडी छावनी से लेकर पकड़ी ढाला तक नाला का टेंडर हो चुका है, उसके बावजूद भी सिटी मैनेजर और कार्यपालक द्वारा जबरदस्ती नाला निर्माण कराया जा रहा है। जहाँ नाला का आवश्यकता है, वार्ड नंबर 3 डूब रहा है, 6 डूब रहा है, वहाँ नाला नहीं बनाया जा रहा है। जहाँ नाला ऑलरेडी पास है उसी नाला को बनाया जा रहा है। जितना भी नरकटियागंज में निर्माण कार्य हो रहा है उसमें 50% का हकदार कार्यपालक पदाधिकारी और सिटी मैनेजर है। करोड़ों रुपया का सुंदरकारी के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, नगर परिषद को लूटा जा रहा है। टोटल सफाई के नाम पर, सुंदरकारी के नाम पर टोटल रोड जो है नगर परिषद के नाम से अपने अपने वार्ड पार्षद के बाप दादा के नाम से रोड कर दिया गया है। ये यदि गुंडागर्दी है कार्यपालक पदाधिकारी का, वो मुकदमा से डरवाता है। हम लोग RJD वाले लोग मुकदमा से नहीं डरने वाले हैं। कार्यपालक का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, सिटी मैनेजर का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये लोग जांच होगी। ये लोग जब से यहाँ से पदस्थापित हुए हैं उस समय से लेकर अब तक करोड़ों का प्रॉपर्टी बना है, इनकी जांच होगी और लोग जेल जाएंगे।